हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरमेंट को एड्रेस करें, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना यानी इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मैं मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं, उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं, ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है ये, एनवायरमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म, हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म भी कर रहे हैं। और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए, अवसर ही अवसर है। और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे प्लस वन हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से यानी निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक ने दुनिया में, भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में कितने तेज है। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें, इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है, इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में टीयर टू टीयर थ्री सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावनाएं। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं।
और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले, हमको एक छोटा सा टुकड़ा एकाध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है, आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं अगर उसका राइटिंग का काम है में हो रहा है, सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहां पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं। हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को और लिए काफी ओपन हो, कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ दुनिया के सब लोगों को आ रहे हैं। आज मैं सिंगापुर में इतने बड़े महत्वपूर्ण फोरम में बैठा हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत तो प्रगति कर रहा है लेकिन भारत में जो सरकार है वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार नहीं हुए है, अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। हमारी स्पीड है, स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए 4 करोड़ घर, अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए 4 करोड़ घर, यानी ये स्केल है। हमारे यहां करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है, कितना बड़ा कार्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हमारे यहां ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है, नए सिटीज की हमारी जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है, मेरे यहां पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहां 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है, और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने समय निकाला, आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है, कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं, तो इतना हमारे बीच में और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है, ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये नाता जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर है, अवसर को जाने मत दीजिए।